गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरडीएस ग्रुप क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर, दिस इज़ योर हिंदी प्रिंटर। लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी ग्रामर चैप्टर 7 सर्वनाम प्रोनाउन एक्सप्लेन किया था। ओके, आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। ओपन योर पेज नंबर 28, मेंशन टुडे डेट 24 सितंबर 2020। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करवाएंगे। ओके, आपको बुक में फिल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्य पे सही तथा गलत वाक्य पे गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। सही, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। सही। नंबर 2, सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। सही। एक वचन तथा बहुवचन सर्वनाम के भेद हैं। गलत। अपने लिए तुम्हारा का प्रयोग करते हैं। अपने लिए तुम्हारा का प्रयोग करते हैं। गलत। बड़ों के लिए आपका प्रयोग करते हैं। सही, बड़ों के लिए आपका प्रयोग करते हैं। सही। नंबर 1, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। सही, संज्ञा के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। सही। एक वचन तथा बहुवचन सर्वनाम के भेद हैं। गलत। अपने लिए तुम्हारा का प्रयोग करते हैं। गलत। बड़ों के लिए आपका प्रयोग करते हैं। सही। ओके, नंबर 3, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो हमें खा सर्वनाम पे टिक करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द हैं राम, वह, सीता। राम वह क्या है? संज्ञा है। और सीता क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। तो हम सर्वनाम पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में बहुवचन हैं वह, वे, तुम। वह और तुम एक वचन है और वे बहुवचन, तो हम वे पे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, नंबर 4, सम्मान सूचक शब्द है तू, तेरा, आप। तो तू और तेरा सम्मान सूचक शब्द नहीं है, आप सम्मान सूचक शब्द है, तो हम आप पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, 5th, सभी नामों के लिए एक सर्वनाम का प्रयोग हो सकता है। सभी नामों के लिए एक सर्वनाम का प्रयोग हो सकता है। हाँ, तो हाँ पे टिक कर देंगे। सभी नामों के लिए एक सर्वनाम का प्रयोग हो सकता है। हाँ। नेक्स्ट, मेंशन टुडे डेट 24 सितंबर 2020। सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। कक्षा 2 में पढ़ता हूँ मैं। कक्षा 2 में पढ़ता हूँ मैं। कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। नंबर 2, पूजा बहन है। पूजा मेरी बहन है। पूजा मेरी बहन है। नंबर 3, उसके पिताजी हैं वह। उसके पिताजी हैं वह। उसके पिताजी हैं। नंबर 4, पुस्तक बहुत रोचक है। यह पुस्तक बहुत रोचक है। यह पुस्तक बहुत रोचक है। नंबर 1, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। पूजा मेरी बहन है। वह उसके पिताजी हैं। यह पुस्तक बहुत रोचक है। नेक्स्ट, 5, चित्रों के नीचे रिक्त स्थान में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए।
ये मुझे, हमने, हमें, तुम्हारे, हमारे, मैंने, इन शब्दों का, इन सर्वनाम शब्दों का हमें नीचे प्रयोग करना है। मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ। बहन ने मुझे राखी बांधी, बहन ने मुझे राखी बांधी। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हमने कल हमने खूब होली खेली, कल हमने खूब होली खेली। हमारे घर मेहमान आए, हमारे घर मेहमान आए। आज मैंने पत्र लिखा। मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ, माँ ने मुझे राखी बांधी। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, कल हमने खूब होली खेली। हमारे घर मेहमान आए, आज हमने पत्र लिखा। ओके, नंबर 6, उदाहरण देकर निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को बदलिए। मैं अपना काम करता हूँ, मैं का क्या हो जाएगा, हम अपना काम करते हैं। नंबर 1, यह तेरा मकान है, ये मकान तुम्हारा है, ये मकान तुम्हारा है। मैं इस काम को कर सकता हूँ, हम इस काम को कर सकते हैं, हम इस काम को कर सकते हैं। वह लड़की मेरी बहन है, वो लड़की मेरी बहन है, वो लड़की मेरी बहन है। यह साइकिल तेरी है, ये साइकिल तुम्हारी है, ये साइकिल तुम्हारी है। यह शर्ट मुझे दे दो, ये शर्ट मुझे दे दो, ये शर्ट मुझे दे दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।